खबर हरदोई से, जहां वन नेशन वन इलेक्शन पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने शिरकत की। इस मौके पर सुनील बंसल ने कहा कि ज्यादा वन नेशन वन इलेक्शन से विकास काफी तेजी से होगा, पैसे और समय की बचत होगी। पूर्व राज्यसभा सदस्य नरेश अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहा उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी होगी। कतर बना चौकीदार चोर हो गया। अगर हम अपने प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे तो विश्व हमारी क्या इज्जत है? अगर हम अपने प्रधानमंत्री को चोर कहेंगे, बहुत अच्छी प्रधानमंत्री चोर हो सकता है, मुख्यमंत्री चोर हो सकता है। अगर देश में कल्पना लोगों ने करने शुरू कर दिया तो डेमोक्रेसी कहां रहेगी? हमारा विरोध हो सकता है, हमारी तमाम नीतियों से विरोध हो सकता है, लेकिन हम अपने प्रधानमंत्री को चोर कहें? मैं तो कहूंगा कि जिन्होंने प्रधानमंत्री को चोर कहा है उन्हें राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए, और जब तक माफी न मांगे तब तक हमें उसको सबक सिखाना है। कैसे इन 4.5 साल के अंदर भारत बदला है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। कितने प्रकार के ऐसे कानून थे जिन कानूनों को आज प्रासंगिक नहीं माना गया, मोदी जी ने शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसे कितने प्रकार के कानूनों को बदलने का काम किया गया। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन से कानून भारत में आवश्यक है, उस प्रकार के कानून आज भारत में बनने चाहिए। किस प्रकार की व्यवस्था आज भारत में होनी चाहिए,